कि आप जब सुबह सोकर उठते हैं और पहला कदम रखते हैं तो आपको अपनी एड़ी में दर्द महसूस होता है, और कुछ कदम चलने के बाद थोड़ी देर में वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड़ी के दर्द के मुख्य कारण प्लांटर फेशियाटिस के बारे में। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है प्लांटर फेशिया और क्या होता है प्लांटर फेशियाटिस। देखिए, हमारी एड़ी से टोज को एक थिक बैंड ज्वाइन करता है जिसे हम बोलते हैं प्लांटर फेशिया। जब किन्हीं कारणों की वजह से उस फेशिया में इन्फ्लेमेशन आने लगती है वेयर एंड टीयर की वजह से, यानी कि सूजन आने लगती है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाटिस। आमतौर पर लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं और पहला ही कदम रखते हैं तो हमें बहुत शार्प शूटिंग पेन अपनी एड़ी में महसूस होता है, या जब हम रेस्ट पे बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं या सो रहे हैं और उठ के चलते हैं अचानक से, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हमारी एड़ी में दर्द महसूस होता है। अब इस कंडीशन का ये होती किसको है, किन किन को ये प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आप करते हैं, बहुत ज़्यादा देर खड़े होने का काम है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पेशली रनर्स, उनमें ये कंडीशन ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। ओबेसिटी, अगर आपका वजन ज़्यादा है, BMI ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल हमारी बॉडी का वेट हमारे फुट पे ही ट्रांसफर होता है, तो ये कंडीशन आपको डेवलप हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका जो फुटवेयर है वो रॉन्ग फुटवेयर है, आप बहुत ज्यादा फ्लैट्स पहनते हैं, बहुत पतले सोल के शूज या चप्पल पहनते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हील्स आप पहनते हैं, तो आपको प्लांटर फेशियाटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी काफ टाइटनेस में है, टाइट पिंडलियां हैं, तो आपको प्लांटर फेशियाटिस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि अगर आपका फुट फ्लैट है, हमारे फुट में इस तरीके से ना एक आर्च होती है जो हमारे वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब हमारे फुट में वो आर्च कम होती है, जिन लोगों का फ्लैट फुट होता है, उन लोगों को जरूर ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है उन लोगों में, तो उनको भी इसकी प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि ट्रीटमेंट की बात करें, तो उसमें आपको करनी है 5 से 6 चीजें। फर्स्ट इज आपको करनी है सिकाई। आपका पेन अक्यूट है कि क्रॉनिक है, ये डिपेंड करता है। अक्यूट का मतलब अगर आपका पेन अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है तो आपको करनी है बर्फ की सिकाई, यानी कि ठंडी सिकाई। और अगर आपका पेन क्रॉनिक है, काफी लंबे वक्त से आपको ये दर्द हो रहा है प्लांटर फेशियाटिस का, तो उसके लिए आपको करना है कंट्रास्ट बाथ, यानी कि गर्म और ठंडे दोनों की सिकाई। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करना है हमें कंट्रास्ट बाथ और किस तरीके से करनी है आइसिंग। बर्फ की सिकाई के लिए आप कोई भी बॉटल में पानी लेके उसे फ्रीजर में फ्रीज कर दीजिए और इस तरीके से उसमें बर्फ जमा लीजिए। उसके बाद आप उस सिकाई के लिए इस तरीके से अपनी हील से शुरू करिए। पहले हील पे कुछ देर मूवमेंट्स करिए, अराउंड 1 to 2 मिनट्स के लिए इस तरीके से हील को रिलीज करिए। हील पे करते करते आप धीरे धीरे उसे आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए। इस तरीके से ये मूवमेंट आप 5 to 10 मिनट्स के लिए रिपीट करिए। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एक तो आइसिंग होगी, साथ ही साथ इसमें आपका जो फेशिया है, टाइट फेशिया है, वो भी रिलीज हो जाएगा। कंट्रास्ट बाथ के लिए आपको 2 बकेट्स लेनी है। एक में गर्म पानी में नमक डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट। दूसरी बाल्टी में ठंडा पानी रखना है, यानी कि आपको चिल्ड वाटर रखना है, कुछ आइस क्यूब्स उसमें आप डाल सकते हैं। अब आपको स्टार्ट करना है गर्म पानी से। उसमें आप 3 मिनट के लिए अपने पैर को डिप करिए एंड सडनली स्विच करेंगे ठंडे पानी में, यानी कि बर्फ वाले पानी में। 1 मिनट्स के लिए ठंडे पानी में स्विच करते रहेंगे 3:1, यानी कि 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा। इस तरीके से लगातार आप करते रहेंगे, आपके पैर में हो सकता है थोड़ा झंझनाहट महसूस हो, थोड़ा लालपन आए, वो सब नॉर्मल है। इस प्रोसेस को आप 15 से 20 मिनट के लिए रिपीट करिए और आप इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं। स्पेशली जब आप सोने जा रहे हैं तब आप इसको करिए, आप मॉर्निंग में तब उठ रहे हैं आप तब इसको करिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने फेशिया को रिलीज कर सकते हैं खुद से ही। इस तरीके से आप अपने फुट को अपने पैर के ऊपर रखिए, कहीं भी आप इसे कर सकते हैं, अपने दोनों थम्स को यूज़ करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं, इस तरीके से नीडिंग मूवमेंट करना है सर्कल्स बना के, एंड अपने फेशिया की टाइटनेस को रिलीज करना है, एंड देन लास्ट में आके स्ट्रेच इट आउट अपने आगे तक। आप 4 फुट में इस चीज़ को कर सकते हैं, ये सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड इज कि आप अपने नकल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से लेके आइए अपने नकल्स एक अच्छे खासे प्रेशर के साथ, एंड देन रिलीज इट। एक आपको क्रैकलिंग साउंड जो है वो इसमें कट कट का फील आएगा, यानी कि आपका फेशियल रिलीज हो रहा है, और उसको करने के बाद आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी रिलीफ, आपको पेन में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और अब बात करते हैं सेल्फ स्ट्रेच की। उसके लिए आप अपने फुट को इस तरीके से रखिए, आप इसको ऑफिस में या वर्क स्टेशन पे कहीं भी कर सकते हैं। अपने एक हाथ से अपने टोज को पकड़िए और इस तरीके से पीछे की तरफ खींचिए। दूसरे हाथ से आप अपनी एड़ी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने टॉट बैंड को फील कर सकते हैं कि कितना टाइट ये है। बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको अपने पूरे फेशिया में यहाँ पर महसूस होगा। आप इसको होल्ड करिए 15 to 20 seconds एंड रिपीट करिए अराउंड 3 times। आप इस एक्सरसाइज को कहीं भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी इसके रिजल्ट्स हैं, इंस्टेंट रिलीफ आपको महसूस होगा।
अब बात करें स्ट्रेंथनिंग की, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको दो एक्सरसाइजेस करनी है। फर्स्ट इज आपको कुछ पेबल्स ले लेने हैं, कुछ भी पत्थर या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इस तरीके से, जैसे मैंने अभी छोटे छोटे पत्थर लिए हैं, उनको आपको अपने टोस से इस तरीके से कर्ल करके ऐसे उठाना है और इस तरफ एक तरफ रख देना है, उठाना है एक तरफ रख देना, फिर सिमिलरली इधर से इस तरफ स्विच करना है ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से गेम है, लेकिन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके अंदर आते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको कोई भी क्लॉथ या कोई भी टॉवल आप इस तरीके से ले लें और अपने टोस से उसको इस तरीके से कर्ल करें और फिर धीरे धीरे उसे स्ट्रेट करें, सीधा करें। इस प्रोसेस को आप कई बार रिपीट करिए, अराउंड 10 times के अराउंड, एंड 2-3 सेट आप इसके कर सकते हैं। और अब लास्ट पॉइंट, यानी कि यूज़ ऑफ ऑर्थोटिक्स। मार्केट में बहुत सारे सपोर्ट्स आते हैं जिन्हें यूज़ करके आप इस कंडीशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक हील कुशन है, इसे आप अपने शू में इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट हील के नीचे। एक स्पॉन्जी इसका फीलिंग रहता है, बहुत सॉफ्ट सा। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि आपके फेशिया पे जो है वो प्रेशर कम पड़ेगा, और आप दिन भर अगर स्टैंडिंग करने जा रहे हैं तो आप अगर इसको पहनते हैं तो काफ़ी हद तक आपको इसमें रिलीफ मिलेगा अपनी हील पे। अदर देन दैट, मैंने जैसे बताया कि फ्लैट फीट जो होते हैं उनमें भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो इस तरीके का एक मीडियल सपोर्ट आता है, उसको आप अपने शू के अंदर वाले, अपनी हील जो आपका ये आर्च वाला एरिया है उसके जस्ट यहां पर अंदर वाले एरिया में, शू के अंदर वाले एरिया में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आर्च मेंटेन रहेगी और प्रेशर जो है वो फेशिया पे कम पड़ेगा। तो ये यूज करके आप काफी हद तक अपनी कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी प्लांटर फेशियाटिस को लेकर। अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम को लेकर कोई भी क्वेरी है या इस कंडीशन को लेकर कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद।